शरणमयि वयस्मास्कन्धविन्यस्तहस्तो निर्मलरसकुञ्जं जातिराधारिकुञ्जं ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीराधिचन्द्राय वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि दशास्ते हृदये सन्दीतं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्गविसर्गादिन्नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धारणमामि च जय श्रीरूपसनातन भट्ट रघुनाथ श्रीगोपाल भट्ट दास रघुनाथ ये छय गोसाई करि चरण वंदन जहाँ त्रिघ्नाश विष्ट पुरन वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु की श्री नित्यानंद प्रभु की श्री अद्वैत प्रभु की श्री गदाधर प्राणनाथ की श्रीवास पंडित की सकल आचार शरण की ब्रज रानी राधा रानी की श्री लाडली लाल की श्री प्रिया प्रियतम की श्री गिरिंद्र बिहारी बिहारिणी सरकार की श्री पंडित बाबा जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय परम मंगलमय कारण करुणा करुणालय श्री और महाप्रभु की भक्ति अनुकंपा से हम लोगों को रघुनाथ दास गोस्वामी विरचित सुंदर गुलाब पुष्पांजलि के माध्यम से सत्संग लाभ का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। गुलाब पुष्पांजलि श्लोक संख्या 81 अपि सुमखिकदाहं मालती केलितल्पे मधुर मधुर गोष्ठिं विप्रतिं वल्लभेन मनसि च सुखदेस्मिन् मन्दिरे स्मेरगण्डान् सकुलकतनुरेषां त्वा कदा विजयामि। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी प्रिया जी की एक एक लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। कल राधा माधव निवृत्त निकुंज में सखियों के प्रेरणा से प्रिया प्रियतम पासा खेले थे। आज आचार्य चरण एक अद्भुत लीला का स्मरण कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हे सुमुखी, प्रिया जी का एक नाम है सुमुखी। कृष्णेन सह सुस्मितं जल्पने शोभनं मुखं जस्या। जब प्यारे श्याम सुंदर के साथ जब प्रिया जी संभाषण करती हैं तो उस समय मंजरी और सखियों को प्रिया जी का मुखमंडल बहुत सुंदर लगता है। प्रिया लाल दोनों एक साथ मिल करके बात करते रहते। उसी समय अस्मिन मनसिद सुखदेव मंदिर है, सुखदेव मंदला मालती के तल पे बल्लभे न कदाहम मधुर मधुर गोष्ठी में बैठे। प्रियालाल के संभाषण करते समय
ये मतन सुखदा कुंज में मालती पुष्पों से पर केली सैया लगी हुई है, उस पर प्यारे श्याम सुंदर अनुनय विनय के साथ प्रिया के प्रिया जी के साथ कथन उपकथन चल रहा है। और उसी समय अनुनयन मधुरा दपि मधुरा गोष्ठी स्मेर गंगा त्वाम सुफुलक तनु ऐसा कदा बीजा। प्रियालाल संभाषण करते करते दोनों के हृदय में पुलकित चित हो जाता है। प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी से बात करते करते कभी उनका शरीर रोमांच हो जाता है, शरीर में श्रम बिंदु उपस्थित हो जाते हैं। तो उसको मैं कब बीजन के द्वारा पंखा के द्वारा उनकी मैं सेवा कर पाऊं, ऐसा आचार्य चरण के मन में उत्कंठा है। हृदय में जब प्यारे श्याम सुंदर को प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है, उत्कंठा होती है। उत्कंठा का अर्थ होता है इच्छा कंठ तक आए, माने अब कोई दूसरा इच्छा ना। तो प्यारे जी तत्काल उस लीला में प्रवेश करा देती है। किशोरी जी यही देखती रहती है कि उसकी क्या इच्छा है। इच्छा जब उत्कट हो जाती है तो प्रिया जी अपना दर्शन दे देती, दर्शन ही नहीं देती बल्कि सेवा में सम्मिलित कर लेती। पासा के बाद प्रियालाल दोनों एक साथ मिल करके चर्चा कर रहे हैं, मधुर चर्चा हो रही है। उस लीला को देख करके गोपी मंजरियां प्रसन्न हो जाती, कुछ कुछ सखियां तो तृण तोड़ने लगती हैं कि यह इस मधुर बात प्रियालाल की मधुर संभाषण जुग जुग ऐसे ही केली तल पर बैठ करके लीला विहार करते रहे। बलिजाऊं ऐसे रूप को देख करके मैं बलिहारी जाऊं, नागरी नागर दोनों एक साथ मिल रहे हैं, बस यही करते रहे। सखी मंजरियां प्रिया जी से प्रार्थना करती हैं कि इसी प्रकार आप ये लीला करते रहे, ऐसो ही रंग करो निशिबासक। रात दिन प्रियालाल का विहार चल रहा है, एक क्षण के लिए भी विलग न हो, चलता रहे। वृंदा दिन कुटी का विहार, वृंदावन प्रियालाल का जो विहार स्थली है, ये प्रिया जी का केली निकुंज है। ये जो वृंदावन है इसमें यही प्रियालाल का नित्य विहार चलता रहता है। और जब प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर से बात करती हैं तो हास विलास सूरत रस सिंचन, जिस रस को पाने के लिए भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर तपस्या करते हैं। पुराणों में यह भी वर्णन आता है कि भगवान शंकर बद्रिकाश्रम में जाकर के नर नारायण की तपस्या करते हैं। नर नारायण प्रकट होते हैं, प्रकट होकर पूछते हैं आपकी क्या इच्छा है। तो भगवान कहते हैं, शिव शंकर जी कहते हैं, आप हमें अपना स्वरूप का दर्शन कराएं। तो नर नारायण कहते हैं कि हमारा स्वरूप अन्यत्र कहीं नहीं है, वृंदावन में और कहीं नहीं। हमारा स्वरूप यदि तू दर्शन करना चाहते हो तो वृंदावन जाओ। जितने भी अवतार है समस्त अवतार का सार वृंदावन, वृंदावन की ब्रज रस माधुरी। सखियां कहती हैं कि हे प्यारे, बस आप हास विलास सूरत रस सिंचन पशुपति दग्ध जियावत काम। जो भगवान शंकर के नेत्र से काम जल गया था वो हास परिहास से उस काम रति को आप जीवित कर रहे हैं। बस हम सखी मंजरियों का सबसे बड़ा सुख संपत्ति यही है कि इस मधुर जोड़ी को हमेशा दर्शन करते रहे। इसके अतिरिक्त हमारी और कोई इच्छा नहीं।
आचार्य लोग तो कहते हैं कि हमारा जीवन का सर्वस्व यही विलास है। हम लोग का जीवन है बस प्रियालाल की इस लीला का दर्शन करते हैं, वो भी उन्मत्त होकर के जौवन जोर। श्री कृष्ण की आराधना बहुत है, लेकिन इसमें जो जुगल आराधना है, मधुर रस की आराधना है, एक दूसरे से जो आलिंगित होकर के विहार कर रहे हैं, इसको भूलूं नहीं। इस जुगल माधुरी को कभी मैं भूलूं नहीं। भूल न जाऊं पलक कहूं इतऊ, कहीं इस रस का दर्शन करते करते हमारा पलक न गिर जाए, बस यही हमारी प्रार्थना। नित्य निरंतर प्रियालाल दिव्य दंपति का ये विलास चलता रहे, और न दूजी आशा। देखिए यही है, यहाँ तक गाड़ी पहुंचने में सबकी गाड़ी फेल हो जाती, ये रस किसी को देते नहीं प्यारे श्याम। वहाँ तक पहुँचने के लिए सब जितना स्वर्ग लोक सुख वैकुंठ नर नारायण सब को छोड़ना पड़ेगा, हमको नहीं चाहिए, चाहिए नहीं। इस रूप को प्राप्त करने के पहले भगवान के जितने विभिन्न अवतार हैं उसका दर्शन कराते, कहीं उस अवतार में भी थोड़ी सी इच्छा रहे तो वो रस नहीं मिले सबको, बस यही रूप राशि हमारे मृगन में बसती रहे। प्रियालाल का दिव्य विहार और हमारा कान उनकी वाणी सुनती रहे, प्रिया जी के अंग गंध को हमारा नासा सुनता रहे, इस जुगल जोड़ी को हमारा नेत्र देखता रहे। ऐसे देख करके तीनों तार को मैं नष्ट, उन्हीं का उच्छिष्ट पाओ, उन्हीं का उच्छिष्ट वस्त्र, उन्हीं का सब कुछ हमको प्राप्त हो, इसके अतिरिक्त हमारा कोई इच्छा नहीं। उनकी अंग सुगंध प्रसादी हवा पाकर के श्याम सुंदर भी कृतार्थ हो जाते हैं। प्रिया जी के मधुराति मधुर अंग गंध के सुगंध पाकर के श्याम सुंदर मतवाले हो गए। राधा रस सुधा निधि में तो लिखा गया है, जस्या कदापि वसना चल के रोता धन्याति धन्य पवने न कृतार्थ मान। प्रिया जी के श्री अंग गंध हवा द्वारा प्यारे श्याम सुंदर के घ्राण तक पहुंचता है, तो उस पवन को ठाकुर जी प्रणाम करते हैं, धन्याति धन्य पवने न कृतार्थ मान। बस जुगल किशोर के माधुर्य का स्रोत में ही ये सखी मंजरियां रसिक महापुरुष लोग हमेशा तैरते रहते हैं। आए वृंदावन ऐसा वन है जहां विरह ही मिलन करा देते, जहां विरह मिलन विरह की बहुत भारी महिमा है। यदि विरह न हो तो मिलन नहीं, तो मिलन के आनंद को बढ़ाने वाला विरह। ये वृंदावन ऐसा है कि मिलन में भी विरह हो जाता, मिले हुए हैं लेकिन भावी विरह की संभावना करके बेहोश होकर के गिर जाते हैं। जहां मिलन ही विरह हो जाता है, विरह ही मिलन हो जाता है, ऐसा दिव्य रहा है। मिले हैं और कहीं छूट न जाए संपत्ति, ऐसी आशंका करके जो बेहोश होकर गिर जाए, विरह मिलन और मिलन विरह। जहां का सदाचार ही अनाचार है और अनाचार ही सदाचार, यह है परिधान। जहां झूठ बोलना ही वेद का सार हो जाता है। श्री कृष्ण भागवत में देखिए कहते, नाहं भक्षितवान् अम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः। श्री कृष्ण अपने मुंह में मिट्टी खाए, हम कहते ना मैं मिट्टी नहीं खाए। इस झूठ वाणी का बड़े बड़े जोगी जति बड़े बड़े धर्मात्मा लोग स्वादन करते, जहाँ का मिथ्याचार ही सदाचार हो गया। ये ब्रजराज प्रेम नदिया के सदा उल्टी बहे धार, उमा कोई कोई ना।
जगत का सदाचार और यहाँ आकर वही सदाचार को छोड़ देते, चलो हमको नहीं चाहिए। जिस ब्रज राज में गुरु ही चेला होते, भगवान श्री कृष्ण के भी जब बुद्धि काम नहीं करता था तो उद्धव जी से मंत्रणा लेते, उद्धव जी भी आओ गुरु बनाकर भगवान भेजे, श्री कृष्ण भेजे कि जाओ मथुरा करे वृंदावन में गोपियों को थोड़ा ज्ञान देकर आ, तो जहाँ गुरु ही चेला कर ऐसा संबंध ये ब्रजरस है प्रेरित। जहाँ प्रियालाल का जो दिव्य विहार कृष्ण रूप में खेल रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु तो श्री कृष्ण के इस लीला को कहते हैं जो मधुर लीला श्री कृष्ण अवतार में हुआ है। कृष्णेर जतक जते खेला सर्वोत्तम नर, श्री कृष्ण का खेल चल रहा है बराह रूप में, नृसिंह रूप में, जितने भगवत अवतार हैं सब ने खेल रहे हैं, लीला कर रहे हैं। और उन समस्त भगवत अवतारों के खेल में सबसे श्रेष्ठ खेल है कृष्ण अवतार। कृष्णेर जते खेला सर्वोत्तम नर लीला, नर लीला। तो इस नर लीला में भगवान क्या कहे हैं, तो कृष्ण का कैसा रूप है, तो नर वपु तहार स्वरूप। मथुरा का कृष्ण, द्वारका का कृष्ण चतुर्भुज है, लेकिन नर स्वरूप केवल ब्रजमंडल और कहीं नहीं। तो ये जो नर का खेलवाड़ है, खेल है, तो सर्वश्रेष्ठ है। कैसा, तो गोप भेष में रहते हैं, दो पैर दो हाथ श्री कृष्ण। वृंदावन में यदि चतुर्भुज रूप में श्री कृष्ण आते हैं तो कोई गोपी पूछती नहीं जा, हमें तुमसे कोई साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही चतुर्भुज रूप में आ जाए तो गोपियां कहती है यदि आप भगवान हैं तो दिव्य को पता बता दो कहां। मैंने भगवान का सर्वश्रेष्ठ लीला है ब्रजमंडल में, और ब्रजमंडल में भी जो कृष्ण बपू है, कृष्ण बपू माने गोप भेष, गोप भेष वेणुकर, एक कैसा गोप भेष है तो गोचारण के भेष में वेणुकर हाथ में वेणु लिए हैं श्री कृष्ण। यहाँ श्री कृष्ण की और चक्र सुदर्शन गदा इत्यादि से शोभा नहीं, बंसी बजाते वेणुकर। नौ किशोर से विग्रह है श्री कृष्ण, और कृष्ण ब्रज का कृष्ण कैसा है तो नचनिया है, नाचने वाला, सौम्य मूर्ति नहीं, चंचल कृष्ण, कभी गैया के पीछे नाच रहा है, कभी गोपी के पीछे नाच रहा है, कभी ग्वालों के साथ नाच रहा है, इस श्री कृष्ण ऐसा है नटवर बपू। नर लीला है अनुरूप, नर लीला के अनुरूप श्री कृष्ण का जो कृष्ण अवतार ब्रजमंडल का है उस रूप को श्री चैतन्य महाप्रभु काशी में सनातन गोस्वामी को कृष्ण के रूप का जो वर्णन कर रहे हैं तो राधा भावाविष्ट होकर के श्री गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि हे सनातन, कृष्णेर मधुर रूप सुन सनातन, कृष्ण की जो ये माधुरी है इसका तुम सुनो। कैसा श्री कृष्ण की माधुरी है, ऐसा रूप है कि जे रूपीर एक कण, श्री कृष्ण के सौंदर्य का एक कण पूरी भूमंडल को रूप माधुरी से बेहोश कर देता है, पागल कर देता है। संपूर्ण रूप से यदि कृष्ण का कोई दर्शन कर ले तो पागल हो जाए, अपने चित्त को धैर्य को धारण न कर सके। तो कहते हैं कि जे रूपे एक कण, जो निकुंज विलासी श्री कृष्ण के एक कण भी सारे त्रिभुवन को पागल बना देता है। आदमी पुरुष को ही नहीं, यहाँ तक कि सर्व प्राणी पर आकर्षण, पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधा
पेड़ पौधा क्या, अरे अस्थावर जंगम नदी को भी पागल बना देते, जमुना जी भी पागल हो जाते हैं श्री कृष्ण के रूप को देखकर, गिरिराज पर्वत भी, यहाँ नदी पर्वत पेड़ पौधा पशु पक्षी सब श्री कृष्ण के रूप पर आकर्षित हो जाते हैं। ये है ये राधा रानी कह रहे हैं श्री कृष्ण के रूप का वर्णन। प्रियालाल निवृत्त निकुंज में एक दूसरे से आलंबित होकर के वार्ता कर रहे हैं। प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर के रूप की महिमा गाती हैं और श्याम सुंदर प्रिया जी, प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर को अपनी गोद में ले लेती। प्राणनाथ के मन एक परिवार, मैं आपसे क्या करूं, प्रिया श्याम सुंदर को ले लेती। तुमा बिने मन करे उचाटन, एक पल भी यदि मैं आपको नहीं देखती हूँ तो मेरा मन उच्चाटन हो जाता है, कि कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ ये समझ में नहीं आता, मुझे पता भी नहीं चलता। आप एक सेकेंड के लिए भी हमसे दूर हो जाते हैं तो मेरे मन में अनेक प्रकार का तरंग उठने लगता है, क्या होगा। और न ही देखने पर हमारा शरीर तुरंत क्षीण हो जाता है, छीण हो जाता है, एकदम ऐसी स्थिति है आपके। देखिए यदि मैं सो जाती हूं तो सोने पर आप हमारे हृदय में आ जाते, आंख मूंदते ही आप अंदर। देखिए यहाँ विरह ही विरह करा देता है, ऐसा वृंदावन धाम है, विरह ही मिला देता है। श्री गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि जो ये रूप है कृष्ण का, ये रूप देखिए हम लोग का ये शरीर कैसे बना है, ये शरीर माया से, माया माने अविद्या, माया ने अज्ञान के द्वारा पंचभूत के संवेषण से ये शरीर बना है। ये पंचभूत का पिंड, ये पंचभूत का पिंड, लेकिन श्री कृष्ण का जो रूप है ये पंचभूत का नहीं, ये जोग माया चित शक्ति का विशुद्ध सत्व का परिणति ही प्यारे श्याम सुंदर, शुद्ध सच्चिदानंद श्री कृष्ण, इसमें माया का एक भी अंश नहीं है। सारा विश्व ब्रह्मांड को बनाने वाले प्यारे श्याम सुंदर की जो चित शक्ति है श्रीमती राधा रानी, उसी का सार विग्रह कृष्ण का श्री विग्रह, ये रूप ही रत्न है, ये भक्तों का गूढ़ धन है। बड़े बड़े योगी जटी लोग नेत्र मूंद करके समाधि लगाकर जिन श्री कृष्ण रूप की संपत्ति को अपने हृदय में छिपा कर रखते, ये गूढ़ धन है भगवान, और उसी रूप को प्रकट करके वृंदावन में लीला कर वही रूप। कहाँ तक कहें कि कहीं कभी कभी साक्षात श्री कृष्ण भी अपना रूप देखते हैं तो रूप को देखकर कि चमत्कृत हो जाती है, ऐसा रूप अपना रूप को देखकर श्री कृष्ण भी रूप बेहोश हो जाते हैं। रूप देखी अपना कृष्ण हो चमत्कार, अपने रूप को देख करके श्री कृष्ण को चमत्कार हो जाता है, और श्री कृष्ण ही अपना रूप का आस्वादन करने के लिए मन में विचार करने लगते हैं। श्री कृष्ण ये जितने चित्र बनाया जाता है वो श्री कृष्ण का असली रूप नहीं है, तो पेंटर अपना अपना बुद्धि लगाता है। श्री कृष्ण का रूप का एक कण भी यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो उसका आंख रहेगा ना, नाक रहेगा ना, शरीर रहेगा, बेहोश कर देगा, पागल हो जाएगा, थोड़ा सा अंश। यहाँ तक कि श्री कृष्ण भी अपने रूप को देख करके मोहित हो जाते, ऐसा रूप है। अरे महाराज जो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली जन है उसी को इस रूप का आस्वादन मिलता है। ये रूप हमेशा नित्य गोलोक में रहता है, ये जो भगवान श्री कृष्ण का रूप है, इस रूप को कौन कैसे देखेगा, इसको कोई, ऐसा सुंदर रूप। श्री कृष्ण का रूप क्या है,
क्या है किसी को तो पता नहीं चला। कृष्ण के रूप पर जो गहना पहनाया जाता है तो गहना पहनाने से इनका रोग थोड़ा कम हो जाता है। श्री कृष्ण का रोग को कम करने के लिए वस्त्र पहनाया जाता है, गहना पहनाया जाता है। हम लोग कपड़ा पहनते हैं, गहना पहनते हैं तो अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, लेकिन श्री कृष्ण के श्री अंग में जो वस्त्र पहनाया जाता है तो इनके रूप को छिपाने के लिए। निरावरण रूप यदि कोई देख ले तो पागल हो, नाक के रूप को काटने के लिए नाक में नख मिसर डाल दिया तो थोड़ा रूप इनका कट जाए, कान में कुंडल। क्योंकि भागवत में लिखा गया है भूषण को भी भूषण बना दे, ये भूषण भी भूषित हो जाता है श्री कृष्ण का। कुंडल कान में पहनते ही कुंडल का सौंदर्य बढ़ जाता है, कान का नहीं। ये भागवत में है ना, भूषण भूषण जनमत तेरी लव परिकम सब। तो ये भगवान का एक एक अंग भूषणेर भूषण अंग, ये भूषणों का भी भूषण प्रिया प्रियालाल का जो दिव्य शरीर वस्त्र है उसमें भी भक्त श्री कृष्ण का जो ललित नेत्र है, एक तो भूषण है श्री कृष्ण का, प्रत्येक अंग भूषण स्वरूप है, और उसके ऊपर भी जब त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हो जाते हैं तो वो भूषण में ज्वार भाटा आ जाता है। भूषण का एक रूप है और उस रूप में तरंग आने लगता है त्रिभंग, आप उस त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े होकर यदि अपने आंख को नचाने लगते हैं, भ्रु को ऊपर भ्रु को यदि नचाने लगते हैं और नचा करके कहीं तिरछी नेत्र से कहीं दृष्टिपात कर दिए, किसी को एक बार देख दिए, वो आदमी अब जीवित में मारा गया, वो अब किसी काम का नहीं। महाभारत में लिखा गया है कि कोई अर्जुन के बाण से नहीं मारा, कोई गांडीव धनुष से मारा, को केवल कृष्ण की तिरछी चितवन जब चलती थी तो जिसका जो वस्त्र मरे पर बाण चलाता था, कृष्ण तो सबसे पहले ही मार देते। ऐसा ये तिरछी नेत्र का कमाल है, ये भगवान सज धज करके सुंदर श्रृंगार करके अपने नेत्र को नचा करके हाथ में बाण लेकर, माने तिरछी नेत्र जो क्या है बाण, इस बाण से वध करते रहते। कृष्ण का अवतार हुआ है मारने के लिए, सबको मार कर व्यवस्थ कर। एक बार जो श्री कृष्ण को देख लेता था उसका घर में मन नहीं, पत्नी है तो पति के साथ मन नहीं लगता, पति हो तो पत्नी के साथ मन नहीं लगता, बेटा है तो माता पिता के साथ मन नहीं लगता। कृष्ण के रूप की ऐसी परम, एक बार यदि कोई इसके रूप को देख ले, हरे कृष्ण करता क्या है तो बिंधे राधा गोपी गौरे मौन, इतना सुंदर रूप धारण करके उसमें भी नेत्र भू भंग के द्वारा राधा और राधा रानी के गणों को मारता रहता, गण चलाता रहता। श्री गौरांग महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कह रहे देखिए कृष्ण का एक कराना, और ऊपर से कहता है कि तुम जाओ धार्मिक होकर के उपदेश देता है कि जाओ अपने सास ससुर की सेवा करो, बेटा बेटी की सेवा करो, पहले तो मार दिया, बेहोश होकर गिर गया, फिर उपदेश देता है जाओ जाओ। ऐसा अरे ब्रजमंडल को छोड़ो, ब्रजमंडल का करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के जितने भी भगवान श्री हरि के अवतार समूह हैं, कृष्ण के जितने अवतार हैं, बारह नृसिंह बावन श्री राम, ये सब अवतार हैं, उन अवतार गणों को भी मारता है, माने सब अवतार समूह भी श्री कृष्ण के रूप रस का दर्शन करना चाहता है। स्त्री को मारे दूसरी बात है, पुरुषों को पूछता है, एक बार जोगी जति भी श्री कृष्ण के रूप में माधुरी को दर्शन कर लेते तो उनका भजन वजन मन नहीं था, अब उसका रूप भी उसके नेत्र पर चढ़ा रहता है।
यहाँ तक कि कहाँ तक कहे पतिव्रता शिरोमणि जार कहे वेदवाणी आश्चर्य से लक्ष्मी गण। अनंत वैकुंठ में अनंत विष्णु अवतार है और अनंत वैकुंठ है और अनंत लक्ष्मिया और उन समस्त लक्ष्मी जो पतिव्रता शिरोमणि है उनके भी चित्त को आकृष्ट उसका नेत्र कर लेता श्री कृष्ण कर लेते। बाबा जी लोग घर द्वार छोड़ करके ऐसे नहीं भागते, कोई रूप पर आसक्त होकर, कोई लीला पर आसक्त होकर, कोई नाम पर आसक्त होकर, कोई धाम पर आसक्त होकर के घर घर छोड़ आ जाता है। ये कृष्ण का है, ये सबको आकर्षित करता है, सब लोगों को अपने ओर खींचता है। गोपियां जब श्री कृष्ण को देखती हैं तो देखते ही उनके मन के मनोरथ पर कुछ चढ़ गए, अब कोई संकल्प विकल्प छूट गया है। बिजनेस करे, व्यापार करे, बेटा बेटी को देखे, सास ससुर को देखे, अब ये संकल्प नहीं है, अब एक ही संकल्प रह जाता है इसको कैसे पाए। इस कृष्ण को हमें पाना है। गोपियों के मनोरथ पर श्री कृष्ण चढ़ जाते हैं, मनमत के मन को मथते रहते, इसीलिए श्री कृष्ण का एक नाम है मदन मोहन। मदन मोहन नाम है श्री कृष्ण, मदन है मनमत कामदेव, और कामदेव के मन को श्री कृष्ण सदैव मथते रहते पागल करे। जिन्हें पंच सर दर्द, कामदेव के पास पांच बाण है, वो पांचों बाण को चलाते हैं कृष्ण को मारने के लिए। संसार में कोई ऐसा है नहीं जो कामदेव से मोहित न हो जाए। स्वर्ग पाताल जन लोक तप लोक ब्रह्म लोक आब्रह्म भुवना लोका, अरे ब्रह्मादि जैसन रुद्ध दर्प तंदर्प दर्पा, चीटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सबके चित्त को मथने वाला मनमत है कामदेव, और कामदेव के मन को मत देता है श्री कृष्ण का रूप मार्ग। इसीलिए कृष्ण का नाम क्या पड़ जाता है मदन मोहन। ये मदन मोहन ऐसा ही रूप, वह श्री कृष्ण संदर्भ रूप में होकर के गोपियों को मारता है पंच सर, रास करे लैया गोपीगण, सबको अपने चित्त में आकृष्ट करके और अपना अधीन बना करके नाचता रहता है, नाचता रहता है। ये कृष्ण का देखिए केवल गोपियों के साथ ही नहीं नाचता है, गोपगणों के साथ ही मधुमंगल सुबल सखाओं के साथ भी नृत्य करता रहता है, सखा के साथ नाचता है, सखाओं को भी अपने उनके चित्त को आकृष्ट करता है। प्रौढ़ा नायिका